दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम DLED फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और इसकी हम लगभग 10 क्लासें कर चुके हैं। आज हमारी 11वीं क्लास है जिसमें हम यूनिट 6, 8 और 9 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जिनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और जिनकी आने की संभावना, जो हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं उसी की संभावना बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी PDFs वगैरह आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, प्रोबेबिलिटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंकों के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से इस तरह से भी बोल सकता है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंकों के जोड़े, ठीक है, इस तरह से भी बोल सकता है, जोड़े आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम दो पासों को फेंकते हैं एक साथ तो कितनी कंडीशन हमारे पास आती है, टोटल हमारे पास 36 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारी प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। मैंने बताया था पिछली कक्षा में प्रतिदर्श समष्टि को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस जो होगा हमारा SS, वो क्या होगा दो पासों का, देखो इसकी 36 कंडीशन बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी, या तो एक होगा, या एक दो होगा, या एक तीन होगा, एक चार, एक पाँच, एक छः, ठीक है, उसके बाद दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, ठीक है, उसके बाद तीन एक, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, उसके बाद चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच और चार छः, उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच और छः छः। टोटल कितनी कंडीशन होती है हमारे पास, 36 कंडीशन होती हैं। काउंट कर लीजिए इनको, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है, 36 कंडीशन होती है हमारे पास टोटल। हमसे पूछा है समान अंक के जोड़े कितने आएंगे, समान अंकों के कितने जोड़े आएंगे उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। देखो समान अंकों के, कौन समान अंक, मतलब या तो एक एक होना चाहिए, या तो दो दो होना चाहिए, या तीन तीन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से समान जोड़े देखो कितने हो सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है, देखो एक एक यहाँ पे आया है। उसके बाद समान अंकों के जोड़े कहाँ मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा दो दो का, उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा तीन तीन का, ये ठीक है दिखाई दे रहा, तीन तीन का, ठीक। उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको चार चार का, उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको पांच पांच का, उसके बाद मिलेगा आपको छः छः का, ठीक है। तो कितने समान अंकों के कितने जोड़े आए हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हमारे पास जोड़े आए हैं। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने, पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, कल बताया था, जहां पे एन ई क्या होता है हमारा संभावित घटनाएं, मतलब कि जितनी घटनाएं संभावित हैं आ सकती हैं उनकी संख्या है, ये होता हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। और ये क्या होता हमारा एन एस, क्या होता हमारा टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो संभावित जो घटनाएं वो कितनी हमारे पास, छह हैं, लेकिन टोटल जो घटनाएं हैं जितनी घटित हो सकती हैं वो कितनी है हमारे पास, 36 हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, एनी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, छह है, और टोटल कितनी है हमारे पास, 36, तो 36 रखेंगे हम, छह से कितनी बार जाएगा, ये छह बार जाएगा, तो कितना जाएगा, 1/6, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिशत समष्टि में समान अंकों के जोड़े आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1/6 होगी, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं, लेकिन मैं इसको नहीं मिटाऊंगा सैंपल स्पेक को, जब तक आपके दो पासे के क्वेश्चन रहेंगे तब तक मैं इसको नहीं मिटाने का हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है, क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक। तो इसे लिखे रहने दूंगा और क्वेश्चन को मैं मिटाऊंगा, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छे से समझना पूरी क्लास को और पूरा देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आज की क्लास में, ठीक है। इन क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, 10 क्वेश्चंस में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, किसी ना किसी टाइप का मिल ही जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तब निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए, समुच्चय के रूप में लिखिए, ठीक है। पहली क्या है, पहली आपसे पूछी है, मैं एक एक लिखूंगा, पहली आपसे पूछी है योग, प्राप्त योग सम संख्या हो, प्राप्त योग क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसको, इसके चार पार्ट है, पहले एक पार्ट सोल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा, तो उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे, जो भी चीज समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। देखो प्राप्त योग क्या हो, सम संख्या हो। अब देखना हमें 36 की 36 कंडीशन में दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें कहां कहां सम संख्या मिलेगी। सम संख्या का मतलब होता है 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे एक और एक दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, सम संख्या है। 3 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। 4 यहाँ पे आएगा, सम संख्या है। 5 आपकी सम संख्या नहीं है, 6 आपकी सम संख्या है। 7 नहीं है,
उसके बाद तीन नहीं है, उसके बाद चार आपकी संख्या है, उसके बाद पांच आपकी संख्या नहीं है, छह आपकी संख्या है, उसके बाद सात आपकी संख्या नहीं है, आठ आपकी संख्या है और चार आपकी संख्या है। ठीक है, पांच यहां से पांच सम आएगा, सम संख्या नहीं है, यहां से कितना आएगा छह आएगा, सम संख्या है, सात आएगा नहीं, आठ आपकी सम संख्या है, यहां से कितना आएगा नौ आएगा, क्योंकि छह और तीन कितना होते हैं नौ, विषम संख्या है, चार और एक कितना होता है पांच, विषम संख्या, चार और दो कितना होता है आपका छह होता है, सम संख्या है। ठीक है, उसके बाद सात विषम है, चार चार सम है, नौ आपका विषम है, दस आपका क्या है सम है। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा आपका देखो, पांच और एक छह सम आएगा, यहां से विषम आएगा, यहां से आपका सम आएगा, फिर नौ आएगा तो ये विषम है, दस आपका सम है, उसके बाद ग्यारह आपका विषम है, सात नहीं होगा क्योंकि विषम है, आठ आपका क्या है सम है। ठीक है, आठ हो जाएगा छह और दो, उसके बाद नौ विषम है, उसके बाद दस आपका सम है, ग्यारह आपका विषम है, बारह आपका सम है। इतनी संख्याएं हैं जिसपे मैंने ब्लैक टिक किया है, वे संख्या सारी क्या है, जिन्हें ऐसी संख्या है जिनका योग क्या होगा सम संख्या होगा। ठीक है, तो कितनी संख्याएं टोटल गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह हमारी संख्या है सारी की सारी। लेकिन टोटल हमारे पास कितनी कंडीशन थी, टोटल हमारे पास थी कितनी 36। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, पीई बराबर, ये समुच्चय निकालना हमें इनका, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है हमसे, हमसे पूछा समुच्चय, तो समुच्चय लिखा लेंगे हम इसका, क्या हो जाएगा इसका समुच्चय, समुच्चय को हम क्या करते हैं मजला ब्रैकेट में लिखते हैं, समुच्चय कितना हो जाएगा हमारा देखो, वन वन उसके बाद वन थ्री उसके बाद वन फाइव उसके बाद टू टू उसके बाद टू फोर उसके बाद क्या आएगा आपका टू सिक्स उसके बाद थ्री वन उसके बाद क्या आएगा आपका थ्री थ्री उसके बाद क्या आएगा आपका थ्री फाइव उसके बाद फोर टू फोर टू उसके बाद कितना आएगा आपका फोर फोर उसके बाद क्या आएगा आपके बाद फोर सिक्स। ठीक, उसके बाद फोर सिक्स के बाद कितना आएगा आपका फाइव वन फाइव वन उसके बाद कितना आएगा आपके पास फाइव थ्री उसके बाद कितना आएगा आपका फाइव फाइव उसके बाद सिक्स टू उसके बाद सिक्स फोर उसके बाद सिक्स सिक्स। ठीक है, मजला ब्रैकेट क्लोज्ड, देखो कितनी आ गई यहाँ पे हमारी संख्याएं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह ही हमारी कंडीशन थी। तो ये सारी की सारी उन संख्याओं का समुच्चय होगा जिनका सम क्या होगा, सम संख्या होगा कोई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा हमसे, इतना मिटा दूं इसको, चलिए मिटा देता हूं। इनको भी मिटा देता हूं जहां पे मैंने टिक लगाए हैं ये। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है आपकी आज की, क्योंकि 10 क्वेश्चन कराने, आज आपका 9 यूनिट तक बिल्कुल फिनिश कराना है। ठीक है, एग्जाम तो आपके दीपावली के बाद ही होंगे अब, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे आपका। ठीक, चिंता ना करें, बस जितना करा रहे उसका रिविजन करते रहें, पढ़ते रहें अच्छे से। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा पार्ट है प्राप्त योग तीन का अपवर्त्य हो, प्राप्त योग तीन का अपवर्त्य हो। ठीक है, अपवर्त्य का मतलब क्या होता है आप बताइए मुझे, किसी को पता है अपवर्त्य का मतलब, देखो अपवर्त्य का मतलब होता है तीन का गुणज, तीन का गुणज, जैसे तीन छ नौ बारह। ठीक है, सारे के सारे तीन के गुणक जो होंगे वो क्या होंगे, तीन के अपवर्त्य होंगे। एक होता अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, उसके फैक्टर। ठीक, तो ये तीन का अपवर्त्य है, इसका मतलब तीन के गुणज हमें देखने हैं कौन कौन से होंगे। प्राप्त योग तीन का अपवर्त्य होना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या है जिनका योग तीन हो या तीन का कोई गुणज हो, तीन छ नौ बारह इस तरह की कोई संख्या हो। देखो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो पहले तो ये होगा दो और कितना होगा तीन होगा,
तो तीन क्या है, तीन का गुणज है, ठीक है, तो तीन होगा, उसके बाद चार नहीं होगा, पांच नहीं होगा, उसके बाद आपका छह होगा, सात नहीं होगा, तीन नहीं होगा, चार नहीं होगा, पांच नहीं होगा, फिर छह होगा, फिर कितना होगा, सात नहीं होगा, आठ नहीं होगा, चार नहीं होगा, पांच नहीं होगा, छह होगा, फिर सात नहीं होगा आपका, आठ नहीं होगा, नौ नहीं, नौ होगा, तीन तिया नौ, तीन का गुणज है, पांच नहीं होगा, छह होगा, सात नहीं होगा, आठ नहीं होगा, फिर नौ होगा, दस नहीं होगा, छह होगा, सात नहीं होगा, आठ नहीं होगा, नौ होगा, फिर आपका दस नहीं होगा, ग्यारह नहीं होगा, ठीक है, फिर यहाँ से सात नहीं होगा, यहाँ से आठ नहीं होगा, यहाँ से नौ होगा, फिर यहाँ से दस नहीं होगा, ग्यारह नहीं होगा, फिर बारह होगा, ठीक है। इतनी संख्याएं जो है जिनका योग क्या होगा, तीन का अपवर्त्य होगा, तीन का गुणज होगा। कितनी संख्याएं टोटल हमारे पास लिख ली है, इनका समुच्चय लिखना हमें, तो इनका जो समुच्चय होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, देखो एक दो, ठीक, उसके बाद एक पाँच, उसके बाद हमारा दो चार, उसके बाद क्या हमारे पास तीन तीन, उसके बाद क्या हमारे पास तीन छः, उसके बाद हमारे पास क्या है चार दो, उसके बाद चार पाँच, उसके बाद पाँच एक, उसके बाद पाँच चार, ठीक है, पाँच चार के बाद क्या आएगा आपका छः तीन, छः तीन के बाद आपका क्या आएगा छः छः, ठीक है, मतलब ब्रैकेट क्लोज्ड। कितनी आ गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, कितनी निकाली थी हमने, ग्यारह निकाली थी क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है, तो ये इसका समुच्चय हो जाएगा। ऐसी संख्या जिनका प्राप्त योग तीन का क्या होगा, अपवर्त्य होगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इतना समझ में आ रहा है, इसको मिटा दूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ इसको, आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे सब कुछ, टेंशन ना लें आप, सारी चीज़ें कराई जाएंगी आपको, और आपकी साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं और इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो आपका सेकंड पेपर है उसकी क्लासेस करा दीजिए, देखो उसका सिलेबस थोड़ा पड़ा है और अब उसकी क्लासेस शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि उसका सिलेबस अब पूरा नहीं किया जा सकता, और सिलेबस पूरा नहीं होगा तो कमी हम लोगों की हो जाएगी, आप लोगों की नहीं होगी। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, जो सेकंड पेपर है या जो फर्स्ट पेपर है, साइंस इंग्लिश और मैथ को छोड़ के जितने भी पेपर है, आप राजन से या पवन के मॉडल पेपर से आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और वहां से तैयारी करके आपका पेपर दे सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके लिए राजन रहेगा, ठीक है, और जो आपको अच्छा लगता हो, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है इसका, प्राप्त योग चार से न्यून हो, प्राप्त योग चार से न्यून हो। चार से न्यून का मतलब क्या होता है, चार से न्यून का मतलब होता है चार से कम होना चाहिए, ठीक है। तो चार से कम कौन कौन सी कंडीशन में होगा उसका देख लेते हैं, देखो एक तो यहां पे होगा दो तीन, चार से कम होना चाहिए, चार में नहीं होने चाहिए, चार से कम, तो ये भी नहीं होगा, पांच भी नहीं होगा, छह भी नहीं होगा, सात भी नहीं होगा, तीन होगा फिर, ठीक है, चार होगा नहीं होगा, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं होगा, आठ नहीं होगा, चार नहीं होगा, उसके बाद कितना होगा, देखो पांच नहीं होगा, तीन नहीं होगा, चार पांच, उसके बाद सारी की सारी संख्याएं आपको क्या मिलेंगी, बड़ी मिलेंगी। सिर्फ आपके पास तीन संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग क्या होगा, चार से कम होगा। तो इसका जो आपका जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, इसका जो समुच्चय होगा वो क्या होगा आपका, एक तो वन वन, उसके बाद वन टू, उसके बाद टू वन, ठीक है, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। और कोई संख्या तो नहीं है, देखो यहाँ पे चार आएगा, यहाँ पे पांच आएगा, यहाँ पे छह आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सात आएगा, दो चार आएगा, उसके बाद तो आपकी बड़ी संख्याएं आनी है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। चार से न्यून होना चाहिए था सम, तो चार दो यहाँ से आएगा, तीन यहाँ से आएगा,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, पार्ट नंबर कौन सा, फोर्थ। ठीक है, इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं इसको। इसका पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट, इनको भी मिटा देता हूं। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है आपका प्राप्त योग दस से अधिक हो, प्राप्त योग दस से अधिक होना चाहिए, अधिक हो। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम संख्या हमारे पास क्या है, किसी भी दो पासों को उछालने पर मैक्सिमम जो सम आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो कितना आएगा 12, क्योंकि 6-6 हो सकता है मैक्सिमम, तो उसका सम क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्राप्त योग 10 से अधिक, तो किस किस कंडीशन में 10 से अधिक आएगा उनको देख लेते हैं हम। चलिए देखो यहाँ पे नहीं आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 भी नहीं होगा, 10 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 6, फिर उसके बाद 7, उसके बाद कितना आएगा 8, 9, 10 नहीं होना चाहिए, 11 यहाँ पे आ जाएगा, एक ही होगा, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर 11 होगा, फिर क्या होगा आपका 12 होगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन इसमें बनेंगी आपकी, कौन कौन सी, इसका के जो समुच्चय होगा वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका एक 5, 6, उसके बाद 6, 5 होगा आपका, उसके बाद कितना होगा 6, 5, और उसके बाद क्या होगा आपका 6, 6। ठीक है, ये आपका समुच्चय हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के आपके 4 ही पार्ट थे, तो ये इनका सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको अभी मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसकी अभी भी और जरूरत पड़ने वाली है, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर दोनों पर फेंकने पर दोनों पर दोनों पर सम अंकों के दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय बताना है, इसमें भी समुच्चय बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए। दो पासों को फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की समुच्चय बताइए। तो दोनों पासों को, जब हम दो पासों को रेंडमली फेंकते हैं दोनों पर ऊपर, कब कब हमारी सम संख्याएं आ सकती हैं, पहले पे भी सम संख्या हो, दूसरे पे भी सम संख्या हो, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो उसकी टोटल कंडीशन ये रखी है आपके पास, मैंने लिख रखी है, जब तक आपको दो पास से संबंधित क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे मैं इसको नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, तो देखो सम सम संख्याएं कहाँ आएंगी, दोनों पर, यहाँ पे दोनों विषम है, यहाँ पे एक विषम है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे विषम है एक, एक दोनों विषम है, यहाँ पे एक सम है, दोनों पर सम सम देखनी है। देखो सबसे पहले तो आपकी देखो यहाँ पे आएगी ये दो दो, दोनों सम संख्याएं हैं, उसके बाद ये आपकी दोनों सम संख्याएं हैं, उसके बाद ये आपकी दोनों सम संख्याएं हैं। ठीक, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, उसके बाद ये यहाँ पे दोनों संख्याएं सम है आपकी, उसके बाद यहाँ पे दोनों संख्याएं सम है, यहाँ पे दोनों संख्याएं सम है आपकी, उसके बाद कहाँ पे मिलेंगी दोनों संख्याएं सम आपको, यहाँ पे मिलेंगी। ठीक, उसके बाद कहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी और ये यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, इनका क्या चाहिए, हमें समुच्चय चाहिए, तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा आपका, इसका समुच्चय हो जाएगा 2, 2, उसके बाद कितना है 2, 4, उसके बाद कितना है आपका 2, 6, उसके बाद कितना है आपका 4, 2, उसके बाद कितना आपका
चार चार, उसके बाद चार छः, उसके बाद कितना है आपका छः दो, उसके बाद कितना है छः चार, उसके बाद कितना है छः छः। ठीक है, ये जो समुच्चय होगा आपका दो पासों को फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के आने की क्या होगी समुच्चय, ऊपर आने का जो है वो समुच्चय है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कितनी कंडीशन है इसकी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ कंडीशन बन रही है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में देखते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है मिटा दूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ट्रेन बार बार आती है तो ट्रेन की जो आवाज़ है उससे आप डिस्टर्ब ना हो, थोड़ी देर के लिए रुक जाया करें। ठीक है, मिटा दूं इसको, मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक लॉटरी में 100 इनाम है, एक लॉटरी में 100 इनाम है, ठीक है, जबकि उसके 1,00,000 टिकट बिके हैं, जबकि उसके 1,00,000 टिकट बिके हैं, 1,00,000 टिकट बिके हैं, ठीक है 1,00,000 टिकट बिके हैं, इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति का इनाम जीतने की संभावना कितनी है, इस लॉटरी, इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की प्रायिकता लिखिए। ठीक है, देखो एक लॉटरी में कितने इनाम थे, 100 इनाम थे, और जबकि उसके कितने टिकट बिके, 1,00,000 टिकट बिके, इस लॉटरी में एक व्यक्ति, एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कितने इनाम है, 100 इनाम है, तो 100 में से कोई एक ही आदमी इस इनाम को जीतेगा, मतलब 100 इनाम है तो 100 आदमी जीतेंगे, जबकि टिकट आपके कितने बिके हैं, 1,00,000 बिके हैं, मतलब 100 ही आदमी टिकट खरीदेंगे, 100 आदमी इनाम जीतेंगे, जिसमें कितने टिकट बिके हैं आपके, 1,00,000 टिकट बिके हैं, उनकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी। तो मैंने बताया था प्रायिकता के लिए हम क्या करते हैं, PE इक्वल्स टू NE अपॉन NS करते हैं। NE क्या हमारा फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, और NS क्या हमारा टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने 100 हमारे पास, सॉरी 100 है, 100 इनाम है तो 100 ही व्यक्ति जीत सकते हैं, तो हम क्या रखेंगे सबसे ऊपर NE की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, टिकट कितने बिके हैं, टोटल आउटकम कितने हैं आपके, टोटल कितने आ सकते हैं 1,00,000, तो हम नीचे NS की वैल्यू हमें कितने दे रखी है 1,00,000 दे रखी है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे कितना जाएगा आपका 1/1000 आंसर। ठीक है, तो एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की प्रायिकता जो है वो कितनी है 1/1000। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, फिर भी आपको कोई डाउट है प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है सेम, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है, ठीक है, 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने वाले करने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, लोग आवेदन करते हैं, 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदक का तब प्रत्येक आवेदक का शेयर प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। एक कंपनी में कितने शेयर आमंत्रित किए? 10 लाख शेयर आमंत्रित किए, जबकि उसे प्राप्त करने के लिए कितने आवेदक थे? 50 लाख आवेदक थे, तो प्रत्येक आवेदक का शेयर प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी वो आपको बताना है। प्रायिकता पीई इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था वही लगाना, एनी अपॉन एनएस, ठीक है। एनी क्या है? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 10 लाख, क्योंकि 10 लाख शेयर आमंत्रित करें 10 लाख शेयर ही मिल सकते हैं, 10 लाख लोगों को ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 लाख। टोटल कितने थे? एनएस आपका क्या होता है? टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल कितना होगा आपके पास? 50 लाख, ठीक। देखो तो लाख से लाख कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना जाएगा आपका? 1/5, ठीक है। तो प्रत्येक आवेदक का शेयर प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 1/5 है आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है नर्सरी क्लास के, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, आप मिटा देता हूं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका, एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदे हैं, ठीक है। एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदे हैं, एक काली गेंद का यदाश्र अचानक, इसका मतलब होता अचानक निकालने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। अब देखो एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें, एक काली गेंद का यादाश्राया अचानक, ठीक है, अचानक निकालने की प्रायिकता बतानी है हमें। तो हमारे पास सबसे पहले हमें देखनी है कि टोटल हमारे पास कितनी गेंदे हैं, कुल गेंदे हमारे पास कितनी है? 6 + 3 = 9, ठीक है। कुल हमारे पास कितनी गेंदे हैं? 9 गेंदे हैं, जिसमें हमारी 6 लाल है 3 काली हैं। थैले में 9 गेंदे पड़ी हुई हैं, हमने हाथ डाला थैले में, अचानक से एक गेंद निकाली, उसके काली होने की जो प्रायिकता बतानी है हमें वो क्या होगी। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं?
काली गेंदें कितनी है हमारे पास, तीन। इसका मतलब फेवरेबल जो आउटकम्स है हमारे पास वो कितने हैं, तीन है। टोटल आउटकम कितने हमारे पास, नो, ठीक है, क्योंकि छह लाल है और तीन काले हैं। इसीलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। एनी हमारा क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, तीन काली गेंदें हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, तीन फेवरेबल आउटकम्स होगा। कुल गेंदें हमारे पास कितनी थी थैले में, नाइन गेंदें थी, तीन तिया कितना होता, नौ होता, तो वन बाई थ्री जो होगा हमारा एक काली गेंद के अचानक निकालने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी हमारी, वन बाई थ्री होगी, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे हैं आपके, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलें आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी हैं, जिनमें पांच लड़के हैं, तब जिनमें कितने लड़के हैं, पांच लड़के हैं, तब शेष लड़कियां हैं, तब यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है, तब यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है, तब उसके लड़की होने की संभावना बताइए, ठीक है। उसके लड़की होने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी वो आपको बताना है। आपको पता है एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी हैं, तो हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने है हमारे पास, 12, जिसमें लड़के कितने, 5। कुल लड़के कितने हमारे पास, 5। इसलिए लड़कियों की जो संख्या होगी, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी होगी, 12 माइनस के 5 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब ये लड़कियों की संख्या आ गई, हमसे पूछा तब उसके लड़की होने की संभावना, एक हमें छात्र चुनना है, उसके लड़की होने की संभावना क्या होगी, अचानक हमें चुनना किसी को, उसकी लड़की होने की संभावना क्या होगी, वही लगाना आपको। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, पीई बराबर एनी अपॉन एन एस, ठीक है। एनी हमारा क्या होता है, फेवरेबल आउटकम कितना है, लड़की होने के लिए क्या होना चाहिए, कितनी लड़की है, 7, तो 7 हो जाएगा हमारा फेवरेबल। साथ हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। और टोटल हमारे पास कितनी लड़कियां, कितने विद्यार्थी थे, 12 विद्यार्थी थे, तो 12 7 बाई 12 जो होगी हमारी क्या होगी, वो लड़की होने की संभावना होगी, लड़की होने की प्रायिकता होगी कक्षा में, ठीक है। जब हम कक्षा से 12 विद्यार्थियों की कक्षा में से किसी बच्चे को चुनेंगे, किसी विद्यार्थी को चुनेंगे, तब उसके लड़की होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 7/12 होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा और किस टाइप से उसे सॉल्व करेंगे, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है और सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। चलिए मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर एट है, एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। एक साधारण पासे को फेंककर, एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त
होने की हमें क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है, होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, अब देखो जब हम एक साधारण पासे को फेंक देते हैं, तो एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो टोटल हमारे पास कितनी कंडीशन बनती हैं, 6 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी बनती है मैं बता देता हूँ, इसका हम लिखेंगे पहले प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या होगा हमारा एक पासे को हम फेंकते हैं तो कितनी टोटल कंडीशन आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास 6 कंडीशन होती हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी, देखो हमारे पास कितनी होंगी, देखो एक 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ये 3 से बड़ी संख्या है। इसीलिए जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स होंगी एनी की जो होगी वो कितनी होगी, हमारी एनी का जो समुच्चय होगा वो कितना होगा हमारा, 4, 5 और 6, ये एनी का हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय जाएगा। इसीलिए प्रायिकता जब हम निकालेंगे पीई तो कितना आ जाएगा हमारा, एनी अपॉन क्या आएगा, एन एस आएगा। ठीक है, एनी हमारे पास कितनी है, ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से बड़ी हैं, 3 संख्याएं हैं तो हम 3 लिखेंगे ऊपर। टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, एक पासों को जब हम फेंकते हैं कि टोटल कितनी हमारी आउटकम्स आ सकते हैं, वो 6 आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे हम 6 लिखेंगे, 3 × 6 तो कितना जाएगा हमारा, 1/2 आंसर। ठीक है, तो एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी हमारी वो कितनी होगी हमारी, 1/2। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दूं इसको, चलिए मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की बहुत ज्यादा संभावना आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह क्या है, इक्का है, इक्का होगा। ठीक है, हमें प्रायिकता बतानी है। सबसे पहले मैं आपको ताश के पत्तों का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया था आपको, कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होता है, तो मैं सभी को बता देता हूँ। देखो ताश की जो गड्डी होती है, ताश जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं टोटल हमारे पास, 52 पत्ते होते हैं टोटल। ठीक है, इन 52 पत्तों में 4 तरीके के पत्ते होते हैं हमारे पास, जिसमें एक आपका क्या होता है, एक को हम बोलते हैं ईंट, एक को बोलते हैं हम पान। ठीक है, ये दोनों आपके होते हैं रेड कलर के, रेड जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में लाल। ठीक है, और उसके बाद आपको होता है एक चिड़ी बोल देते हैं हम इसको, चिड़ी, और एक होता आपका हुकुम। ठीक है, एक होता हुकुम। ठीक है, ये दोनों आपके क्या होते हैं, ब्लैक, जिनको हम बोलते हैं काला। ठीक है, ईंट पान चिड़ी हुकुम, ईंट और पान दोनों रेड कलर के होते हैं, लाल होता है, चिड़ी और हुकम दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, काला होता है, और इन चारों के कितने कितने पत्ते होते हैं, इन चारों के 13-13 पत्ते होते हैं। कितने कितने पत्ते होते हैं, 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 चौका 52 हो गए। अब इन 13-13 पत्तों में भी प्रत्येक, जैसे कि ईंट है, इन 52 पत्तों में जैसे 13 है, 13 में से आपका क्या होगा, एक इक्का होता है,
इक्का, जिसको हम क्या बोल देते हैं, किंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक इक्का होता है, उसके बाद एक हमारा क्या होता है, बादशाह, सॉरी इसको किंग नहीं बोलते हैं, इक्का तो इक्का होता है जिसपे ए बना हुआ होता है, ठीक है। एक होता हमारा बादशाह, बादशाह जिसको हम क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी रानी, जिसको हम बोलते हैं बेगम, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वीन, ठीक है। और उसके बाद एक होता आपका जोकर, जोकर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुलाम, ठीक है, हिंदी में गुलाम बोलते हैं, वैसे जोकर होता है। चार पत्ते ये होते हैं और एक से लेके आपके टेन तक होते हैं, जैसे इक्का एक, इक्का इक्का मतलब एक, फिर दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दहला दहला बोलते हैं इसे हिंदी में, दस। उसके बाद आपका क्या होता है, गुलाम, उसके बाद क्वीन, उसके बाद किंग, उसके बाद इक्का। इक्का आपका सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। वैसे ही आपका पान का इक्का होगा, वैसे ही पान में ये चार पत्ते होंगे और नीचे दस से लेके दस आठ सात छः इस तरीके से चलेंगे। उसके बाद चिड़ी के भी ऐसे होंगे, उसके बाद हुक्म के भी ये होंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रैक्टिक याद कीजिए कि वह इक्का होगा। अब देखो 52 पत्तों में से एक पत्ता हमने खींचा, उससे की प्रायिकता निकालनी है कि इक्का होगा। इक्का होने के लिए इक्के कितने होंगे टोटल हमारे पास, देखो चार तरीके के पत्ते हैं, तो इसका मतलब क्या, चार ही हमारे पास इक्के होंगे, एक ईट का, पान का, चिड़ी का, उकम का, चार ही हमारे पास बादशाह होंगे, चार ही हमारे पास क्वीन होंगी, और चार ही हमारे पास क्या होंगे, गुलाम होंगे, जोकर होंगे, ठीक है। तो चार हमारे पास कितने होंगे, इक्के होंगे। इसका मतलब क्या, हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी है, एन ई, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, चार, क्योंकि चार इक्के होंगे। हमसे ये नहीं पूछा है कि हमें ईट का इक्का चाहिए या चिड़ी का इक्का चाहिए या हुकम का इक्का चाहिए, हमसे सिर्फ ये बोला है कि इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो इक्के हमारे पास टोटल कितने होते हैं, चार होते हैं। और एनएस हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, इनकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे, पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, ठीक है। एन ई कितना, चार, और ये हो जाएगा हमारा 52 एन एस। देखो काटो इसको चार से, कितनी बार जाएगा ये, 13 बार, तो कितना आएगा, 1/13, ठीक है। 1/13 हमारी क्या होगी, इक्के होने की क्या होगी, प्रायिकता होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ताश के पत्तों का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मिटा दूं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मिटा देता हूं इसको, मैं मिटा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन है कि किसी वर्ष में जो लीप वर्ष न हो, किसी वर्ष में जो लीप वर्ष न हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपका यह है कि एक वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, आपके वर्ष जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, आप सभी को पता होगा, ना पता होगा फिर भी मैं बता देता हूं आपको। एक होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष में टोटल दिन जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं, लेकिन जो साधारण वर्ष होता है उसमें आपके 365 दिन होते हैं। यहाँ पे आपकी जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। ये प्रत्येक 4 साल के बाद आता है लीप वर्ष, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी।
अब लीप वर्ष ना हो इसका मतलब साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं हमसे, साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी? 53 रविवार का मतलब है 365 दिन में 53 दिन जो होंगे वो हमारे रविवार होंगे, उसकी प्रायिकता निकालनी है। इसका मतलब हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, एनई जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना हमारे 53 दिन, ठीक है। टोटल एनएस कितना है हमारे पास 365 दिन हमें है देखना है, क्योंकि साधारण वर्ष की बात कर रहा है हमसे, लीप वर्ष की बात नहीं कर रहा है वो। तो साधारण वर्ष 365 दिन, ट्रैक ई बराबर एनी अपॉन क्या होता है हमारा एनएस होता है। एनी क्या होता है हमारा, वो होता है फेवरेबल आउटकम्स, और एनएस जो होता है वो टोटल आउटकम्स होता है हमारा। फेवरेबल कितना हमारे पास 53 और टोटल कितना हमारा 365, ठीक है। 53/365 जो होगा आपका 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी आपको पूरी क्लास में कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। ये आपकी 9 यूनिट तक बिल्कुल फिनिश हो गया है। प्रैक्टिस के लिए आज शाम को मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगली यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 10 अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।